गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी नर्सरी की क्लास टीचर गीता सिंह और आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट में ई से इमली और ई से इंक लिखना सिखाऊंगी। आज बच्चों डेट कौन सी है? 6। मंथ कौन सा है? 5। और ईयर कौन सा है? 2020। ये हमने यहाँ पे क्लास वर्क डाला है और आज हम लोग क्या सीखेंगे? पहले ई से इमली। तो ये आपको पसंद आएगा। क्या है बच्चों? ई से इमली। ये देखिए, पहचानिए, पहचान रहे हैं ना आप लोग? इमली कैसी होती है? खट्टी खट्टी। ये बन गई हमारी ई से इमली। और इसके पास में नेस्ट बना लेंगे हम लोग ई से क्या? बड़ी ई से ईख। ईख कैसी होती है? मीठी मीठी। और इससे क्या बनता है? गुड़ और शक्कर। और चीनी से हम लोग क्या बनाते हैं? मीठी मीठी चाय। और दूध में भी बच्चे डाल के पीते हैं ना। ये बन गई ई से बड़ी ई से ईख। अब हम लोग इसमें कलर करेंगे। ये हो गया छोटी ई से इमली। ई से इमली। और इमली कितनी खट्टी होती है, इसकी हम लोग चटनी भी बना कर खाते हैं। और ये बन गई ई से इमली। और ये हम लोगों का बच्चों बन गया बड़ी ई से ईख। ईख में क्या बनता है? गुड़ और चीनी। ये बन गया बड़ी से ईख। और इसको हम लोग बोलते हैं गन्ना भी बोलते हैं ना। ये देखिए, अब हम लोग इसको राइट करना सीखेंगे। ये दो लाइन में हम लोग बनाएंगे, पहले ऐसे फिर ऐसे, जैसे इंग्लिश में सी बनाते हैं, एक सीधा सी एक उल्टा सी। और ये बन गया छोटी से इमली। क्या बन गया? छोटी ई से इमली। और इसके आगे हम लोग बनाएंगे एक ऐसे ऐसे करके, और इसमें ऊपर लग जाएगी मात्रा। ये बन जाएगा बड़ी ई से ईख। कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है ना? अब चलिए हम लोग इसको फिर से राइट करेंगे। ऐसे ऐसे घुमा के ये बन गया ई, ई से इमली। और इसको फिर से बनाएंगे ई से इमली, और ऊपर एक मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बड़ी ई से ईख। नेक्स्ट देखिए, पहले ऐसे ऐसे करके ये बन गया छोटी ई। और इस फिर से बनाएंगे, ये हमने बना दिया बड़ी ई से ईख। इसी तरह आप लोगों को बच्चों करना है। और यहाँ पे होमवर्क डाल देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? छोटी ई से इमली और बड़ी ई से ईख। इसी तरह आप लोगों को कंप्लीट